पौड़ी में बढ़ रही गुलदार की घटनाओं और सक्रियता पर अंकुश लगाने के लिए अब जिलाधिकारी आशीष चौहान ने वन विभाग को उन तमाम स्थानों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं जहां पिछले 10 वर्षों में गुलदार के हमले बढ़े हैं। ऐसे स्थानों पर कैमरे लगाने और गुलदार की सक्रियता पर नजर रखने के लिए ग्रामीण सुरक्षा समिति बनाने को कहा है, जिसका क्रियान्वयन ग्रामीणों के सहयोग से होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि गुलदार सुरक्षा समिति के सदस्यों को मूलभूत चीजें जैसे टॉर्च, लाइटें, डंडे, नेट और ऐसी कई सामग्री वन विभाग उपलब्ध कराए। जिलाधिकारी ने कहा कि गुलदार कंट्रोल रूम का गठन भी जल्द किया जाए ताकि ग्रामीण गुलदार हमले और सक्रियता की सूचना वन विभाग को पहुंचा सके। तो पौड़ी में गुलदार का आतंक देखने को मिल रहा है, वन विभाग को निर्देश दिए गए हैं गुलदार की सक्रियता पर अब नजर रखी जाए, कई स्थानों पर कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। तो जल्द बनाई जाए ग्रामीण सुरक्षा समिति। पौड़ी में गुलदार का आतंक अब देखने को मिल रहा है, जल्द ही गुलदार कंट्रोल रूम का भी गठन किया जाएगा, डीएम आशीष चौहान ने निर्देश दिए हैं। तो पौड़ी में गुलदार का आतंक पिछले कई दिनों से लगातार देखने को मिल रहा है, अब इसी को लेकर कई स्थानों पर कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं और जल्द ही आपको बता दें ग्रामीण सुरक्षा समिति भी बनाई जाएगी। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ बैठक की, उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एसडीएम, बीडीओ और पुलिस के लोग थे और डिपार्टमेंट्स के साथ डिस्कस करने के बाद में कंट्रोल रूम बनाया जाना है या हमारी जो लैपर्ड पेट्रोलिंग स्टार्ट किया जाना, कुछ क्षेत्रों में शहरी क्षेत्र में लाइट लगवाना या घास या झाड़ियां कटवाने के काम को अभी हम लोग प्रायोरिटी पे कर रहे हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में एडुकेट करने के लिए बाघ सुरक्षा समितियाँ बनाया जाना और वहाँ पर कंटिन्यूसली वॉच रखवाए जाने जैसे निर्णय हम लोगों ने लिए हैं। साथ ही रीलोकेट कराने के लिए भी जो प्रयास है वो फॉरेस्ट की तरफ से अश्योरेंस दी गई कि कुछ क्षेत्रों से वो रीलोकेशन के लिए परमिसेबल जो भी उनके प्रोविजन से उनके अकॉर्डिंगली वो करेंगे।